भाई चल पबजी खेलते हैं। पबजी भाई लोड़े स्टार्ट करना। क्या हुआ ये शकल लटका के क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था। पर भाई सोचने के लिए तो दिमाग चाहिए, दिमाग जो मुझे नहीं लगता कि तेरे पास है। भाग भौसड़ी ना। चल बता वैसे सोच क्या रहा था? यही कि हम यहाँ बैठकर पबजी खेलते हैं और वहाँ बॉर्डर पर हमारे जवान दिन रात पहरा देते हैं ताकि हम लोग चैन से सो सकें। ये बात तो सही है भाई तेरी। और जब भी किसी जवान के शहीद होने की खबर सुनता हूँ तो एक ख्याल आता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे वो लोग भी सेफ रहें। हाँ हो सकता है अगर वो बॉर्डर पर रोबोट को तैनात कर दे तो। ये सही है, बस चींटी जैसा एक रोबोट अगर हमारे बॉर्डर पर होना तो हमारे देश में घुसने वाले एक एक चूतिए को पकड़ कर उसकी गांड में गोली मारकर उन सबको बोलेगा कि निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। हाँ पर ऐसा रोबोट बनाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्या पता आने वाले कुछ सालों में ऐसा रोबोट बन भी जाए। क्या कभी रियल में किसी ने लड़ाई में रोबोट का यूज़ किया है? हाँ 1991 में अमेरिका के साथ युद्ध हुआ था इराक का, जिसमें अमेरिका ने भर भर के रोबोट का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से अमेरिका ने इराक के 1 लाख से भी ज़्यादा जवानों को मार डाला था और दूसरी तरफ अमेरिका के सिर्फ 147 जवान शहीद हुए थे। और इस रोबोट को देख, इसे बोस्टन डायनेमिक कंपनी ने इसे बनाया है जो दिखने में भी एकदम खूंखार लगता है। और हमारे पास कैसे रोबोट अवेलेबल हैं? देख भाई DRDO वाले कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है रुद्र। क्या वो चिट्टी की तरह दिखता है? नहीं बे चूतिए, ये एक 6 व्हील वाला मूवेबल रोबोट है जिसमें एक मशीन गन लगी हुई है 7.62 mm की गोली वाली और उसमें एक ग्रेनेड लॉन्चर भी है। उसमें लगे HD कैमरे से उसका ऑपरेटर कहीं दूर बैठकर ही सब कुछ साफ साफ देख सकता है और उसका कैमरा 360 डिग्री रोटेट भी हो सकता है। और भी एक रोबोट है जिसका नाम है दक्ष और वो तो कमाल का है। उसमें कई सारे स्कैनर लगे हैं जैसे एक्सरे स्कैनर, गामा रे स्कैनर और भी वगैरह वगैरह। और एक मस्त सी शॉर्ट गन भी लगी हुई है जिससे वो किसी भी दरवाजे को ऐसे ही तोड़ सकता है। और उसका मेन काम है अपने स्कैनर से बॉम्ब को ढूंढकर उन्हें डिफ्यूज करना। भाई DRDO तो है ही लाजवाब, देखना फ्यूचर में चिट्टी जैसा भी रोबोट जरूर बनाएंगे। और अगर बना लेना तो उनसे बोलना कि उसे सना से थोड़ा दूर रखें।